हमारे हम तो कहीं ना मिलना कभी यही हाल था कि कबीर वाला के इलाके में हजरत ने दरस दिया, दरस के अंदर जो है वो एक साथी बैठा था, वो कहने लगा कि मैं इशातुल तौहीद का यहाँ का सदर हूँ, मैं आपसे मुनावरा कराऊंगा मौलाना मसीह साहब चंद्रोड़ी को रहूंगा। तो हम लोग किताबें तो नहीं साथ देते थे, लेकिन दारुल कबीर वाला की किताबों का पैगाम दे दिया, वो साथ ही थे कुछ लोगों के जाके जाओ पढ़ाना। हमारे हम लोग का हादसा हुआ था, समुंदर से ही लंबी है, किताबें अमूमन सारी साथ नहीं लेके जाते थे, हमने तो गाड़ी भरी हुई है। लाहौर में बयान है ना कल, तो उस सिलसिले में दो बंदर पूरे खड़ा तीन बंदर किताबों के साथ सुना, तो हलत नहीं रखते थे साथ क्योंकि अकेले सफर करते थे। तो हाफला समुंदर का था, जहां भी कोई मदरसा बड़ा होता तो वहीं से किताबें मंगवा लेते, और बाल का तो वो भी ना अपनी बिना और भी तो गैर मुकल्लों की किताबें पकड़ के दलाल ले जाते, बुखारी खाइए ना गैर मुकल्लों दरी पड़े मगर पकड़ के उसी से ले जाती निकाल लेता। हादसा वो कहने लगे कि हमने कहा ठीक है ठीक है। सुबह हुई तो वो आया तो ईद का मेज लगे लगा, हमने रात आना सही पितरोड़ी को पैगाम भेजा कि मुनावरा कराना है तेरा अमीन के साथ, तो वो छुप गया है सारी रात, हम उसको तलाश करते रहे, किसी गंदम की खेत में छुप गया है, मिल ही मिला। ये उसका हाथ अभी चैलेंज कहता था, आओ मैं उसका दुनिया का कोई बंदा आ गया, हाथ हाथ होता है बातल बातल है। पूरे मुल्क में जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये चीजें अब्दाल कॉन्फ्रेंस के इसी हिसाब से किए, किसम मुख्तसर ये इनाम लेने के लिए हमारे हंसी अदालत में पहुंच गए, हदीस पेश की जो उन्होंने कहा था ना कि कोई दलील इनके पास नहीं है, इन्होंने मुस्लिम की हदीस पेश किया। तो गैर कल मौलवी क्या लगा ये ना ये शाद ये जो इजाद करा फांसी को हदीस के रफ है ना कि इमाम पढ़े तो फिर को जो सिक्का है। अब जज कहने लगा मुझे क्या पता ज्यादा सिक्का क्या होती है, इशाद क्या होता है, ज्यादा सिक्का क्या होती है, ये मिसाल आप ही समझ लेता है काम रहेगा, ज्यादा सिक्का क्या है इशाद क्या है हमें नहीं पता। वो गैर मुकदर मौलवी कहने लगे इसके तो आपको 10 साल मदरसे में पढ़ना पड़ेगा फिर पता चलेगा ज्यादा सिक्का क्या होती है इशाद क्या होता है। जज कहने लगे यार हमने 10 साल मदरसे में तो नहीं पढ़ सकता, हजरत को बड़ा अल्लाह ने फाहम दिया था आम मिसालों से मिसाल सुना था, मर के जा से मैं आपको 5 मिनट में समझा सकता हूँ, समझा देता मैं के देखते हैं। 9 आदमी कहते हैं कि सुबह की नमाज कारी खलील से अपने पढ़ाई पढ़ाई किन्हों पढ़ाई कारी खलील साहब ने सुबह की नमाज पढ़ाई, 9 आदमी कहते हैं। 10वां कहते हैं नहीं मौलाना फयाज साहब ने पढ़ाई, मौलाना क्या शहर में चाहिए। अब ये एक बंदा 9 की मुखालफत कर रहा है ना, इसको शाज कहेंगे, क्या कहेंगे, तो यही समझा जाएगा कि 9 बंदों की बात, 9 बंदों की बात ठीक है। लेकिन अगर ये 9 बंदे कहते हैं सुबह की नमाज कारी खलील से अपने पढ़ाई, 10वां कहते हैं हाँ हाँ पहली रकात में उन्होंने सूरह जो है सुहा पढ़ी थी, दूसरी वाला मिश्रा पढ़ी थी, अभी उनकी मुखालफत कर रहा है, एक जैद बात कर रहा है ना, उन्होंने कहा सुबह की नमाज कारी खलील साहब ने पढ़ाई, इसने कहा कि हाँ हाँ पहली रकात में उन्होंने ये सूरत पढ़ी दूसरी ये, तो ये एक जैद बात कर रहा है, इससे ज्यादती ऐसी कर सकता है, शाद मकबूल नहीं होती ज्यादती ऐसी का मकबूल, शाद मकबूल नहीं होती ज्यादती ऐसी का मकबूल होती है। तो ये जो हदीस है हमारी मुस्लिम शरीफ में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा क़रा फ़ांसी तो जब इमाम पढ़े उसमें बोलो, इज़ा कब्बर फ़ांसी जब तकबीर के तुम भी तकबीर पढ़ोगे, तकबीर सबने के लिए इज़ा क़रा जब पढ़े क़रा इमाम एक पढ़ने वाला एक होगा फ़ांसी तो उसका किस्सा रखना जमा कर सकते ज्यादा जनता तो दी है सबको, तो ये ज्यादा सिक्का है यह कबूल है। फिलहाल फैसला हमारे हाथ में जल्दी नहीं जाता, कदर समाते थे गैर मुकदर काफी सारे आए हुए थे, उन्होंने हार शार भी उठाए हुए थे,
तो हमारे एक दो मौलवी साथ थे, तो अब जब फैसला हमारे हाथ में हुआ तो वो हार को इधर बगल में छुपा रहा है, इधर छुपा रहा है, बेस्ती तो हो गई थी। तो हमारे वो लोग कहेंगे यार ये हार हमें ही पहले तो हम उनको पहना दें, अब तो काट ही रहा है पैसे पैसे के। तो बैर अरे तले गुजरे थी, तो फलत और चीज होती है, इजाफी चीज और होती है।